मेरी विकेट भी डाउन होने वाली है, तो भैया जितने मजे करने, इन्हीं में से मैं कुछ पहनने वाला हूँ। उसमें मैं क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करता हूँ विच मेक्स दी आउटफिट लुक। हियर इज माय स्मॉल वॉच कलेक्शन। हेलो, व्हाट्स गुड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। व्लॉग पे व्लॉग आए जा रहे हैं भाई। कोई अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कब दोगे? बहुत जल्दी आएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज योर हेयर, समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन। और वो एक ऐसी वीडियो जो आप में से काफी सारे लोगों को हेल्प करने वाली है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अ वाइल। एनीवे, अभी इट्स अ वेरी नाइस, इट्स ब्यूटिफुल डे। आज थोड़ी ठंड भी कम है फॉर्चुनेटली, सो उठने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। नहीं तो यार आजकल तो लाइक द रूटीन हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। मैं 7 घंटे की जगह 10-10 घंटे सो जाता हूँ। एनीवे, तो अभी मेरे को शादी पे जाना है, और शादी जिसकी है वो मेरी बड़ी बहन जैसी ही है, और उनको मैंने ना बचपन से देखा है। 2 दिन पहले जब उनकी मैं एंगेजमेंट पे गया था, आई वॉज फीलिंग सो ओवरवेल्ड कि यार इतनी खुशी की बात है दैट यू नो पीपल आर सेटलिंग इन एंड यू नो जस्ट द टाइम पासिस लाइक दिस। बट एक और ख्याल आया, कुछ ही साल बचे हैं उसके बाद मेरी विकेट भी डाउन होने वाली है। तो भैया जितने मज़े करने हैं, जितनी पार्टी करनी है, जो करना है, जितनी अयाशी करनी है, सब अभी कर लो। एनीवे, ये जो पीछे चीज़ें पड़ी हैं इन्हीं में से मैं कुछ पहनने वाला हूँ। थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैं क्या पहन रहा हूँ और उसमें मैं क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करता हूँ विच मेक्स द आउटफिट लुक इवन मोर बेटर। सो फॉर मी ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप अपने क्लोथ्स जो हैं आयन ज़रूर करो, बिकॉज द मोर नीट एंड टाइडी यू लुक द बेटर इट इज़। यू लुक मोर क्रिस्प, यू लुक मोर क्लासिक। सो अभी मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने बाल सेट करूंगा एंड देन आई शो यू द सूट दैट आई एम गोना वेयर टुडे। सो सेट माई हेयर, ग्रूम्ड माई बियर्ड द लेफ्ट ओवर्स। आई थिंक ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर सच ओकेजन्स। वंस यू आर ग्रूम्ड 70% ऑफ योर वर्क इज डन। अभी मैं आपको वो प्रोसेस नहीं दिखा पाया अपनी हेयर स्टाइलिंग का, बट मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो ऐड कर दूंगा विच इज कम्प्लीट हेयर ट्यूटोरियल, सो डू वॉच इट। और साथ में मैं प्रोडक्ट लिंक्स भी ऐड कर दूंगा। नाउ कमिंग टू द ब्लेजर दैट आई एम गोना वेयर। सो दिस इज द ब्लेजर दैट आई एम गोना वेयर राइट नाउ। इट्स अ कंप्लीट सूट, पैंट्स मैंने पहनी हुई है एंड दिस इज माई सिलेक्टेड होम, अ वेरी क्लासिक, अ वेरी फाइन ब्लेजर। आई लव जस्ट शो यू द कंप्लीट लुक। तो मैंने अब ब्लेजर फाइनली पहन लिया है। अच्छा, ये पॉकेट स्क्वायर नहीं है, ये मैंने ना ब्लेजर के अंदर की जो पॉकेट होती है उसी को बाहर निकाल दिया थोड़ा पॉकेट स्क्वायर दिखाने के लिए, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दिस कलर ऑफ पॉकेट स्क्वायर एंड दिस कलर इज क्वाइट कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस आउटफिट। अभी मैंने ये ब्लेजर और ये पूरा सूट वूट पहन लिया, बट मैंने शूज़ नहीं पहने बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू शो यू दिस सॉक्स। इट्स मरून पोलका डॉट, नॉट वेरी जैजी बट वेरी क्लासिक एट द सेम टाइम। एंड द रीजन आई वॉन्टेड टू शो यू दिस सॉक्स वॉज क्योंकि यार ये एक्सेसरीज ही होती हैं, इट इज़ द डिटेल्स विच मेक यू स्टैंड आउट। नाउ आई एम जस्ट गोना पुट माई शूज ऑन, माई एक्सेसरीज ऑन एंड आई एम जस्ट गोना टेक यू टू थ्रू द प्रोसेस ऑफ इट। सो वेल, हियर इज़ माई स्मॉल वॉच कलेक्शन। यार इसमें सारी वॉचेज अभी पड़ी भी नहीं हुई हैं और काफ़ी सारी ऐसी वॉचेज हैं जो अभी मुझे खरीदनी है। आई रियली वॉन्ट दोज वॉचेज ऑन माई हैंड, आई वॉन्ट वेयर देम वंस। एनी वे, फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना गो विद दिस वन, दिस इज एम्पोरियो अरमानी। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इसको लिए हुए, आराम से 2-2.5 साल तो हो गए। नाउ द थिंग विद दिस वन इज फर्स्टली इट कॉम्प्लीमेंट्स अ लॉट यू नो माई आउटफिट, एंड सेकेंडली बिकॉज द ओकेजन इज सच वेयरिंग समथिंग फ्लैशी वुड जस्ट बी गुड आई गेस। सो बिकॉज माई फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज इन गोल्डन, मैंने बाकी सारी एक्सेसरीज भी उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रखी हैं। दिस इज अ कफ, अ रिंग विच आई गॉट फ्रॉम H&M, अ ब्रोश एक डिजाइनर शॉप से मिला था। सेम गोज फॉर द टाई पिन। आई विल जस्ट ऐड दीज टू माई आउटफिट एंड शो यू हाउ दे लुक। सो यार फाइनली हियर आई एम ऑल डेक्ड अप, एंड द बेस्ट पार्ट इज की क्योंकि दोपहर की शादी है तो मैं अपने शेड्स पहन सकता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड वेल दीज आर द एक्सेसरीज दैट आई हैव एडेड। शायद इसकी थोड़ी प्लेसमेंट गलत है, वो मैं अपनी मम्मी से ठीक करवा दूंगा। एंड अदर देन दैट दिस इज हाउ माई आउटफिट लुक्स। अ ब्राउन ब्रोक्स इज व्हाट आई हैव एडेड टू इट बिकॉज इस पैंट की फिटिंग बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं है, तो मैंने एक पॉइंटेड शूज़ की जगह थोड़ा राउंड रखा है इसके जो टिप है उसको। सो या वेल दैट्स अबाउट इट, दैट्स व्हाट माई कंप्लीट लुक looks like, and I am all set to roll. But since no outfit is ever complete without a perfume, so I'm just gonna add a Dior Sauvage because I need a perfume which is gonna last all day. So that's there. Abhi shades main bahar jaunga tab pehen lunga. And maine finally ye thoda scarf add kar liya hai. It is adding a lot of class and elegance to my outfit, I believe. And abhi bahar dekhta hu yaar, zyada thand hui to usko pehne rakhunga, gharmi lagni shuru ho gayi to utar denge. I hope you enjoyed the vlog.
स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड लेट मी नो अगर आपको और व्लॉग्स चाहिए कि कोई YouTube वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए, एंड आई विल जस्ट मेक श्योर दैट आई डिलीवर इट टू यू. टेक केयर.